फेलोशिप, वी आर पार्ट ऑफ गॉड्स पर्पस, भागीदार है परमेश्वर के उद्देश्य के, एंड आई कैन लिव फॉर माइसेल्फ आल्सो, और मैं अपने लिए भी जी सकूंगा. व्हाट अ वंडरफुल फेलोशिप, और ये कितनी अच्छी सहभागिता है. That's a deception of the enemy. और वो शत्रु का धोखा है. May we realize this. हम इस बात को जान लें. This is one of the greatest deceptions that he has been bringing into the life, and many are living in that realm. और ये बहुत बड़ा धोखा है जो कि वो जीवनों में ला रहा है, और बहुत से लोग इसी प्रकार से जी रहे हैं. You know, we see. Let me don't get me wrongly, but get me right, please. और मेरे को गलत ना समझे बल्कि सही समझे. यू नो स्टॉपिंग गिविंग अप मेनी हैबिट्स, दैट्स नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग. और बहुत सी आदतों को छोड़ देना एक विश्वासी बनने के लिए कोई महान कार्य नहीं. ए मैन मे गिव अप स्मोकिंग बिकॉज द डॉक्टर सेड यू हैव साइंस ऑफ कैंसर, गिव्स अप. और एक व्यक्ति जो है वो धूम्रपान को छोड़ सकता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे कैंसर का खतरा है. फेलो हु इज च्यूइंग ऑल द टाइम लाइक अ काउ बट says you'll get mouth cancer, he says okay from now onwards I won't chew. और हर कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही पान चबाता है और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें मुंह का कैंसर हो जाएगा तो वो छोड़ देता है. Why? क्यों? He wants to preserve his life. क्योंकि वो अपने जीवन को बचाना चाहता है, प्राकृतिक जीवन. Yes, he wants to live long. और वो अधिक समय तक जिंदा रहना चाहता है. And somebody who gives up drinking. और कोई व्यक्ति जो कि पीना छोड़ता है. Because the doctor said you will heart will have heart attack. और क्योंकि डॉक्टर कहता है कि जल्दी तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा. He gives up straight away. और उसी समय छोड़ देता है. But it is unfortunate that their Christianity today is so caught up with only just giving up some habits, but not getting into the very root of the matter. और for which Christ died and left a provision for us. और मसीहत जो है वो इन चीजों को छोड़कर yes. वो इस बात में नहीं आते जो कि एक मुख्य जड़ है उस तक नहीं पहुंच पाते जिसके लिए मसीह मरा ताकि हम अपनी खुदी so के लिए अब ना जिए. हाउ सैटन हैज ट्विस्टेड. तो हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान ने तोड़ मरोड़ का पेश किया. सैक्रिफाइस पावरलेस, और उस बलिदान को, महान बलिदान, ब्लाइंडेड गॉड्स पीपल, उसको कमजोर कर दिया है और परमेश्वर के लोगों को अंधा कर दिया. द पोटेंशियल ऑफ द ब्लड, और उस रक्त की जो शक्ति, ब्रिंग अस इनटू दैट फाइनल सल्वेशन, कि वो हमें उस अंतिम उद्धार तक, दैट दिस वेरी सोल इज सेव्ड, और ये प्राण जो है इसको भी बचाया जा सके. दैट फॉलन थिंग दैट इज देयर वजन इज कंप्लीटली डेल्ट विथ, और कि वो गिरी हुई चीज जो वहां उपस्थित है उसको पूरी तरह जड़ से निकाल this दिया जाए. is to be won finally. और अंत में इस प्राणों को this भी जीतना है. salvation of this soul is so important. और इस प्राणों का उद्धार इतना महत्व रखता है. But saints of God, परंतु परमेश्वर the enemy has deceived and blinded. शत्रु ने धोखा दिया और अंधा कर दिया God's people. परमेश्वर के लोगों को भी. And may God open our eyes. और परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे. और मेरी ये प्रार्थना, we have heard many times. बहुत सी बार हमने सुना. God has laid this afresh upon my heart again. और परमेश्वर ने एक ताजा रूप से मेरे हृदय पर और इसको अपने हृदयों में हम ग्रहण कर लें. रिमेंबर वन थिंग सेंट्स, और एक चीज को स्मरण करें परमेश्वर ने, परमेश्वर ने हमारी रचना की है टू लिव फॉर हिम, कि हम उसके लिए जिए. दैट इज द प्राइमरी थिंग माइंड ऑफ गॉड. और वो परमेश्वर की प्रथम मंशा है जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, he created him, और उसकी रचना that की, he might live for God and God alone, कि मनुष्य जो है वो केवल परमेश्वर के लिए जिए. In other words, the simple truth of God's word is, और दूसरे शब्दों में वो साधारण सी सच्चाई पर deliver us from living for ourselves, कि मसीह इसलिए मरा कि हमें छुड़ाए कि हम अपने खुद के लिए अपना जिए. That we may not live for ourselves, yes. But live for Him, for God. परंतु परमेश्वर के लिए जी. Oh, we see the multiplicity of the self as we heard before. और जैसे हमने पहले देखा है कि कितनी अधिक ये खुदी बड़ी हुई है. A person who seeks to be somebody. और एक व्यक्ति in the church. और एक व्यक्ति जो कलीसिया के अंदर कुछ बनना चाहता है. Somebody who wants to be great in the midst of God's people. और कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों के बीच में महान बनना चाहता है. And that's what we see all around today. और ये हम अपने चारों ओर आज देखते हैं. Somebody who wants to have respect from others.
और कोई व्यक्ति जो दूसरों से अपने लिए आदर और मान चाहता है, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट मैन वांट्स टू लिव फॉर हिमसेल्फ। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस ओर की इशारा है कि वो व्यक्ति And अपने लिए जी रहा है। The whole Christian world is full of that। और हम देखते हैं कि पूरा मसीह संसार इन चीजों से भरा हुआ है। People who want to show themselves above the other, जो अपने आप को दूसरों से उभार कर दिखाना चाहते हैं। Titles and this and that and so many things। और बहुत से नाम और पदवियां और बहुत सी चीजें। One may have painted himself with a religious whitewash, but inwardly he is living for himself। और एक व्यक्ति ने अपने ऊपर तो सफेदी कर रखी होगी धर्म की, लेकिन अंदर वो अपने inwardly he has not changed himself। परंतु अंदरूनी रूप से उसने अपना परिवर्तन भी नहीं किया है। One may use terms and terminologies, Christian language। और जब के हम मसीह भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हैं, but inwardly, परंतु अंदरूनी रूप से, the same self is living on। और वो ही खुद ही जो है वो That's why it means we have to be very careful। और इसीलिए हमें बहुत ही सावधान होना That's चाहिए। That's why when we are born again, और इसी कारण से जब हम नया जन्म पाते हैं, certain things in our lives, कई बात चीजें जो हमारे जीवन में होती music, है, और जैसे कि म्यूजिक, such as you have certain habits like you know certain tastes like music and reading and this and that, we need to be very careful। और जब कि हमारे जीवन में कई चीजें होती हैं जैसे कि मौसीकी है, म्यूजिक है, या पढ़ने का शौक है, या कई चीजें, you know all these things are of the soul, और ये सारी चीजें प्राणों की ओर से, but now after becoming a believer, परंतु अब विश्वासी बनने के पश्चात, the same soul will have another guard, और वो ही प्राण जो है उसका एक और गार्ड होगा, guard another cover, एक और रूप होगा, yes, एक और, but who is inside, परंतु उसके भीतर कौन है, that same soul, वो ही प्राण अंदर है, that wants to inquire, जो that want to know, जो जानना चाहता that है, want to search, करना चाहता है, खोजना चाहता है, one has to be careful, एक व्यक्ति ने बहुत सावधान होना, you know we have to be very careful, और हमें बहुत ही सावधान होना है, anything that is we see as something as a gift even in the natural, और प्राकृतिक रूप से कोई चीज जिसको कि हम एक वरदान के रूप में भी देखते हैं, इट मस्ट गो थ्रू द वर्किंग ऑफ द क्रॉस, उसने भी क्रूस के कार्यों में वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, योर लाइकिंग्स, और आपका स्वाद, आपकी पसंद, यू थिंक इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड इन योर लाइफ, और आप एबिलिटी क्या आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से एक योग्यता के रूप में वरदान है, we need to bring them to the altar of God, और हमें चाहिए कि उन सब चीजों को परमेश्वर के वेदी के ऊपर ले आया जाए, ये बहुत ही आवश्यक, otherwise, और नहीं तो through that, उसमें से the soul rises up, वो प्राण जो है वो उभरने लगते हैं, though there is a cover, और यद्यपि उसमें उसको एक कवर दिया गया है, now only spiritual music, और अब केवल आध्यात्मिक म्यूजिक बजाऊंगा, I'll share in my own testimony, मैं अपनी गवाही, before I was born again, और इससे पहले कि मेरा नया जन्म हुआ, we used to have a beat group, you know what is beat group, not this group, music group, एक all म्यूजिक का ग्रुप होता था, I was part of that, म्यूजिक वगैरह मैं उसमें भाग लेता था, when several of us were born again, और हम में से कईयों ने जब नया जन्म पाया, I was in Chennai, I was born again, और जब मैं चेन्नई में था, some of my friends were in my hometown, they were born again, और कुछ लोग मेरे गांव के थे वो जन्म पाए, we all left our music groups, हम सबों ने अपना वो म्यूजिक का जोड़ and then we came together, और जब हम इकट्ठा हुए, we had a new group, एक नया, and that was called the spirituals, और उसको आत्मिक बताया गया, but I thank God, और परमेश्वर की स्तुति, God delivered me from that, परमेश्वर ने उससे भी छुटकारा दिया, now what I'm trying to say is, और मेरा कहने का अर्थ ये है, you know these things can take a different shape, और ये चीजें जो है एक अलग, now it has got a new dress over it, और अब उसके ऊपर एक नए वस्त्र, but inside is the same man, परंतु अंदर उन वस्त्रों के वही व्यक्ति है, and now looks for a fame, और अब वो looks for a recognition, और looks for something that would be acceptable, और कोई ऐसी चीज चाहता है जो कि स्वीकृत हो, and who lives on,
और कौन जीता है, सेल्फ लिव्स ऑन, और वो खुद ही सेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, टुडे इज क्रिश्चियनिटी, आज की मसीह, लुक अराउंड, चारों ओर देखें, व्हेन वी वेंट टू YMCA यस्टरडे, और कल जब हम YMCA में गए, वी सॉ समथिंग दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और कई बहुत दिनों के बाद वहां कुछ देखा, ईस्टर पेजेंट, और ईस्टर पेजेंट नहीं था, बट सम अदर पेजेंट वाज गोइंग ऑन, परंतु कोई दूसरा पेजेंट वहां चल रहा था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, और मेरे कहने का अर्थ यह है, ऑल अबाउट मैन्स अचीवमेंट्स, और ये सारी मनुष्य की प्राप्ति थी, ऑल दैट गॉड done, और वो सब जो परमेश्वर ने किया है, but only God knows what he did and what man did, और लेकिन केवल परमेश्वर जानता है कि उसने क्या किया और मनुष्य ने क्या, but what I'm trying to say, मैं वहीं छोड़ देता हूं, saints, there is a realm, और वहां पर एक वातावरण है, so strong and powerful even among God's people that goes so undetected, और इतना वो सामर्थ्य है, शक्तिशाली, प्रभावशाली है, जिसको के पकड़ में नहीं, and I know that this kind of message will never make anybody popular, और इस प्रकार का संदेश जो है वो किसी को भी कभी प्रसिद्ध नहीं बना सकता, बट इट्स अ रियलिटी सेंट, परंतु ये एक वास्तविकता है, परमेश्वर गॉड इज कॉलिंग अस टू बी, कि परमेश्वर हमें इस वातावरण वेयर वी वुड अलाउ द लॉर्ड टू वर्क इन अस, और जहां पर कि हम प्रभु को अनुमति दें कि वो हमारे भीतर कार्य करें, वी विन दिस सोल, कि हम उस प्राणों को जीत लें, अलाउइंग द स्पिरिट, और आत्मा को अनुमति दें to take on this realm of the soul, ke wo pranon ke us vatavaran ko apne kabze mein kar le, so God is wanting to work in our depths in these days, to parmeshwar hamare gehraiyon mein in dinon mein karya karna chahta hai, God wants to change us, aur wo chahta hai ke hame badal de wo, the question is that how many are open for this work of God, parantu prashn ye hai ke humme se kitne परमेश्वर के इस कार्य के लिए अपने जीवन में खुले हैं। You know, as I said, the Lord suddenly quickened my spirit. और जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर ने अचानक मेरी आत्मा को we are working on that other book to be brought out soon. और जब कि हम दूसरी पुस्तक जो कि बनाई जा रही है उसके लिए कार्य कर रहे हैं। You know, the Lord began to really burden and began to minister to my own heart. और परमेश्वर ने ये बोझ दिया और मेरे हृदय से बात करने लगा। If we have to go on to God's end purpose, और यदि हमने परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य की ओर जाना है, yes saints, we need to be very serious with this issue in our own lives, तो इस मामले में अपने जीवन के अंदर हमने बहुत ही गंभीर होना है। You know, I am sharing therefore with a burden which the spirit has laid upon me, और मैं एक बोझ के साथ ये बता रहा हूं जो कि आत्मा ने मेरे ऊपर दिया। So what do we see today? तो आज हम क्या देखते हैं? When you look at the believers' realm, और जब विश्वासियों के वातावरण को हम देखते हैं, the thing that I could see was, और जो चीज मैं देख पाया वो ये था, the difference that I could see was, और वो अंतर जो मैं देख पाया, एट फर्स्ट दे लिव फॉर themselves विदाउट एनी रिलीजियस वाइट वॉश, और पहले तो वो अपने लिए जी रहे थे बिना किसी मजहबी पुताई के, बट नाउ, परंतु अब दे लिव फॉर themselves, वो अपने लिए जी रहे हैं, बट विद रिलीजियस वाइट वॉश, परंतु उसके ऊपर एक धर्म की पुताई कर दी गई है, सफेदी कर दी गई, दिस इज द ओनली डिफरेंस, और यही केवल एकमात्र अंतर है परमेश्वर के पवित्र, एंड दिस इज वेयर वी ऑट टू बी ओपन टू द स्पिरिट ऑफ गॉड, और वहीं पर हमें चाहिए कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए हम खुल जाए, यू नो वी नीड टू बी ओपन टू गॉड, और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए खुल जाए, यू नो हाउ ऑफन वी सी दिस, और कितने अक्सर हम इस बात को देखते हैं, यू नो दिस battle within us, aur ye sangharsh jo hamare bhitar hai, and we don't let the spirit do that work, aur hum pavitra atma ko karya nahi karne dete, we want to cover up, aur usko dhank lete hain, how long we can go on the way we are, aur jis marg mein hum chal rahe hain kab tak hum usme chalte rahenge, there are some of us who accept everything, aur hum mein se kuch hain jo sab cheezon ko swikar karte hain, this is that, aur ye meri samasya hai, ye meri kamzori hai, aur ye hai aur wo hai, we must let God work, hame chahiye ki parmeshwar ko kaam karne de, we must let God work, parmeshwar ko kaam karne de, the provision is made, aur prabandh kar diya gaya hai, but we try to cover up,
लेकिन हम उसको ढांक लेना चाहते हैं. And we do not want, it's a dangerous place to be. और हम चाहते नहीं और वो एक बहुत ही खतरनाक In the days of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के दिनों के अंदर. You know one thing we see very clearly. और एक चीज हम स्पष्टता से देखते हैं. You know a woman was who was caught in adultery. और एक महिला जो के व्यभिचार में पकड़ी गई थी. She was brought before the Lord. और प्रभु के सम्मुख उसे लाया गया. And one thing that you see is. और एक चीज हम देखते हैं. Though she was caught in a sin. और जबकि पाप में वो पकड़ी गई थी. Jesus never condemned her. यीशु ने कभी उसको दंडित नहीं किया. And Jesus was an unusual kind of prophet there. और प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक अजीब प्रकार के भविष्यवक्ता थे. He allowed that woman to go free. और उसने उस महिला को छोड़ दिया. Even without a word of rebuke. और यहां तक कि उसे झड़का तक नहीं. That is very encouraging to see. और ये बहुत ही That he let her go even without a rebuke. और एक झड़क के बिना डांटे बिना भी उसको जाने दिया. Why? क्यों? Often made me to think. और अक्सर मैं इस बात में सोचता हूँ. Not even a word of rebuke. एक झड़क की बात भी नहीं प्रभु ने की. And even that thief who was crucified with him. और यहां तक कि वो चोर भी जो प्रभु के साथ क्रूसित हुआ था. Yes. He just forgave him. उसको क्षमा कर दिया. How amazing that is. और ये कैसे आश्चर्यजनक बात है. And all that he said to her was, और जो कुछ प्रभु ने उस महिला से कहा, no more. जा और अब पाप ना करना. The reason for that is, और उसका कारण ये है, Jesus saw her heart. यीशु ने उसके हृदय को देखा. A heart of true repentance. एक ऐसा हृदय जिसमें सच्चा पश्चाताप था. At the same time, और उसके साथ साथ, when it came to the religious crowd, और जब के वो मजहबी भीड़ की बात आई, who carried their big religious books, और जिन्होंने अपनी सारी धर्म की पुस्तकें लाई, and went to the synagogues with their phylacteries and robes, और आराधनालय में गए और अपने वस्त्र और चोगे पहन के, He called them a generation of vipers. और उनको प्रभु ने कहा कि तुम सांप के बच्चों. You know, you see this difference. और देखे कि अंतर कितना. So here we find a people with a guard covering up things and want to live, but here was a person or people who genuinely repented and turned to Him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके ऊपर वो मजहब का एक पर्दा पड़ा हुआ था. Yes. और लेकिन यहाँ पर ये लोग हैं जिन्होंने कि सच्चा पश्चाताप किया. Saints, God always looks for a heart that truly would repent, turn, and seek His help. परमेश्वर सदा ही ऐसे हृदय की ओर देखता है जो कि एक सच्चा पश्चाताप करके उसकी खोज करे. द वुमन हु वाज कॉट, यू नो व्हाट ही सेड, और परंतु वो महिला जो पकड़ी गई, गो एंड सिन नो मोर, और प्रभु ने उससे कहा कि जा और अब पाप ना करना. दैट इज वेरी प्रेशियस, ले होल्ड ऑफ दैट. और वो बहुत बहुमूल्य, ही लीव्स नो परमिशन टू कंटिन्यू द वे वी आर. और वो कोई अवसर नहीं छोड़ता. He doesn't leave a provision for that. हम हैं उसमें ही चलते रहें. He leaves no provision for you and me to continue the way we are. और वो कभी ऐसा मौका आप और मेरे लिए नहीं छोड़ता कि हम अपने उसी मार्ग में चलते रहें. But he says, परंतु वो कहता है, Go, जा, sin no more. अब पाप न कर. Don't live the way you live till now. और अब तक जिस प्रकार से जी रहे थे अब मत जी. But The unfortunate thing today. परंतु दुर्भाग्य की बात यह है. Believers want to continue to live the way they have been living. कि विश्वासी जन उसी मार्ग में चलते रहना चाहते हैं जिसमें something that he would not accept and agree. और वो कुछ ऐसी चीज है जिसको प्रभु कभी स्वीकार नहीं करेगा. God understands us. परमेश्वर हमें समझता है. But he doesn't want any one of us to continue to be the way we are. और वो ये कभी नहीं चाहता कि हम में से कोई भी no. जन जिस मार्ग में चल रहे हैं उसी में चलते रहें. He is there to help you and me. वो वहां है क्या आप और मेरी सहायता But करें. Not to keep us the way we are. परंतु उस मार्ग में हमें रहने नहीं देना चाहता. That is not his intention. वो उसका मनसा. That is not why he saved you. और उसके लिए उसने हमें That is not why he brought you to this fellowship. और इसके लिए उस सहभागिता में लाया. That you can be the way you are and still continue. क्या आप जिस प्रकार से हैं उसी में चलते रहें. That's not the reason. वो कारण नहीं. God has brought us to this light. परमेश्वर ने जीवन में और वचन में हमें लाया है. Yes.
So remember one thing, saying. तो एक चीज को स्मरण करें परमेश्वर के बच्चों. God is not going to take us by our religious language that we use. और परमेश्वर हमारे उन मजहबी भाषाओं के लिए नहीं लेना चाहता. God is not going to be impressed by our terms and terminologies. और हमारे तौर तरीके और शब्दों के द्वारा परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. May God help us. परमेश्वर सहायता करे. May God help all of us. परमेश्वर हम सबों की सहायता करे. If a man still seeks to live for himself. और यदि एक मनुष्य अब भी अपने ही लिए जीना चाहता है. And yet claims to be part of God's purpose. और फिर भी परमेश्वर के उद्देश्य का भाग बनने का दावा करता है. And yet claims to be part of His church, the bride. और उसकी कलीसिया और उसकी दुल्हन का भाग बने रहने का दावा करता है. I'm afraid the Lord will say the same words that He said unto the Pharisees. और मैं मेरे को डर है कि प्रभु उनको यही शब्द कहेगा जो उसने फरीसियों से कहे थे, चाहे हम में से कोई क्यों. Why should He not say the same words? और ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रभु क्यों ना करेगा? Why should He not say the same words? और ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों ना करेगा प्रभु? God is looking for that moving on, conquering this self and bringing it to that place of victory. परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते हुए इस प्राणों को के ऊपर विजय प्राप्त करें और उसको सही स्थान में लाएं. So God is looking for a people with brokenness, therefore. तो परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को देखना जो टूटेपन में, broken in their inner man, जो अपने अंदरूनी मनुष्य में टूट गए हो. Who are sorrowful in their hearts. और जो कि अपने हृदयों में दुखी है. Who acknowledge. और जो मानते हैं. His ongoing battle. इस बढ़ते हुए और चलते हुए युद्ध को. Are people who are set their faces to the Lord to seek for His help. और ऐसे लोग जिन्होंने अपने चेहरे प्रभु की ओर लगा दिए हैं कि वो उसकी ओर से सहायता पा सकें. And the Lord will be rich in mercy. और प्रभु जो है वो अपनी दया में धनी. Unto those who would set their face towards the Lord. और वो जो कि इस वर्तमान समय में अपने चेहरे प्रभु की ओर लगाएं. To turn from their selfish living. क्या अपने स्वार्थी जीवन से अलग हो जाएं. Who are honest about their failure. Should have been crucified. I should have suffered and died. I should have hung on that cross in disgrace. But Jesus, God's Son, took my place. Jesus, God's Son. I should have been crucified. I should have suffered and died. I should have hung on that cross in disgrace. But Jesus, God's Son, took my place. Jesus, God's Son, oh Jesus, God's Son, yes, Jesus, God's Son, took my place.